हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी डिकोड्स। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रेसिपी, बड़ी सिंपल सी है और टिफिन में दे सकते हैं, नाश्ते में हम पूड़ी पराठे रोटी के साथ खा सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी चीज़ की रेसिपी है, सब्जी की रेसिपी है, वो है भिंडी, हर घर में फेवरेट और न्यूट्रिशन से भरपूर। यहाँ मैंने लिया है 1 फुल बाउल ऑफ पोटैटो, ये 2 मीडियम पोटैटोज थे, और ये रही चिली। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 इंच के करीब कटे हुए भिंडी के पीसेस। इसे मैंने काफ़ी अच्छे से धो लिया था, धो के कपड़े से सुखा के फिर कट करके रख लिया था। और यहाँ मैंने पैन में लिया ऑयल और ऑयल में डाले जीरे। जब जीरे चटक गए तो मैंने डाल दिया इसमें पोटैटो के कुछ पीसेस, और इस पोटैटो को अच्छे से उलट पुलट के अच्छे से पका लेना है। आपने पहले भी कई वीडियोस में देखा होगा, मैं चिली को थोड़ा टेढ़ा स्लैंट कट करती हूँ ताकि दूसरी सब्जियों के साथ उसका शेप थोड़ा सा अलग रहे, और हमें अगर नहीं खाना है तो हम उसे देख लें और डायरेक्टली चिली खाने से बच जाए। यहाँ मैंने भिंडी भी डाल दी, और डाल करके देखिए सारी भिंडियाँ एक बराबर साइज़ की कटी हुई हैं और कितनी अच्छी दिख रही हैं। और इसे ढक ढक करके मैंने पका लिया है। अभी मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, उससे जल्दी पानी छोड़ देता है भिंडी और सब्जियाँ लसलसी सी बन जाती है, थोड़ा स्लाइमी हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता। अब थोड़े 50% लगभग ये कुक हो गए हैं, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी पाउडर डाला मैंने, और ये स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिए नमक। नमक डालने के बाद थोड़े से रेड चिली कम ही खा डालती हूँ, बस कलर आ जाए इतना ही, हल्का सा तीखापन आता है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून से भी कम फ्लेम, लो टू मीडियम रखेंगे और इसे ऐसे ही ढक के पका लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब्जियां ढक के पकाते हैं और उनका ग्रीन कलर बिल्कुल उड़ जाता है, लेकिन अगर आप शुगर डाल देंगे ना तो उसका ग्रीन कलर बरकरार भी रहेगा और सब्जियां अच्छे से कुक भी हो जाएंगी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे भिंडी तो हरे हैं, लेकिन आलू कितने अच्छे से रेड रेड होके पक गए हैं, गोल्डन गोल्डन से। और देखिए मैंने कट करके भी दिखा दिया है, यहाँ आलू 90-95% कुक हो गए हैं। और अब गैस बंद किया मैंने, और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ हरी धनिए की पत्तियाँ। बहुत ही कम ऑयल में और परफेक्टली कुक हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।
please like, share and subscribe to my channel. And bye-bye.